नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक वर्क लेबर रेट 2023 यानी कि 2023 में वायरिंग वर्क का लेबर रेट क्या चल रहा है। इस वीडियो में हम आपको एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि लाइट के एक पॉइंट को सेट करने का क्या रेट है, फैन के एक पॉइंट को सेट करने का क्या रेट चल रहा है, और MCB लगाने का कितना लेबर रेट लेना चाहिए, और यदि आप AC लगाने वाले हो तो एक AC को सेट करने का कितना रुपए लेना चाहिए, और इसके साथ साथ इन्वर्टर लगाने का क्या रेट चल रहा है, गेट पर लाइट लगाने का क्या रेट है, और वायरिंग करने के लिए कुछ इस तरीके से जो हम दीवार की कटिंग करते हैं इसको वाल जरी बोलते हैं, तो वाल जरी का कितना रुपए पर रनिंग फिट लेना चाहिए, और इसके साथ साथ TV को सेट करने का क्या रेट है, और यदि आप डिश सेट करने जा रहे हो तो आपको एक डिश सेट करने का कितना पैसा लेना चाहिए। इस वीडियो में हम आपसे एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। यदि हम इस रेट की बात करें तो इसको हमने 15 जनवरी 2023 को पता किया था। अब चलिए हम आपको एक एक करके सभी रेट बता देते हैं। तो सबसे पहले यदि हम लाइट के एक पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि लाइट में केवल एक पॉइंट होता है, और लाइट के एक पॉइंट को सेट करने का जो रेट प्रेजेंट टाइम में चल रहा है यानी कि 2023 में चल रहा है वो 200 रुपये चल रहा है। इलेक्ट्रीशियन ने हमें बताया कि हम एक पॉइंट का 200 रुपये बोलते हैं, और यदि हमें कम करना होता है तो 180 से लेके 150 रुपये तक कर देते हैं। तो आपको एक पॉइंट का 200 रुपये बोलना है, और यदि आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप 150 या फिर 180 रुपये में कर सकते हैं। लाइट के बाद यदि हम फैन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फैन में टोटल 2 पॉइंट होते हैं, एक रेगुलेटर का पॉइंट होता है और दूसरा स्विच का पॉइंट होता है, तो दोनों पॉइंट को मिलाकर 400 रुपये होता है, यानी कि 2 पॉइंट का 200 400 हो गया। तो एक फैन की पूरी वायरिंग के साथ साथ पूरे फैन को सेट करने का जो रेट है वो 400 रुपये है। फैन के पॉइंट के बाद यदि हम MCB की बात करें तो MCB के एक पॉइंट का जो रेट है वो 200 रुपये है। आप 200 रुपये एक पॉइंट का बोलेंगे यदि आपके पास काम ज़्यादा है, यानी कि जो भी आपसे वर्क करा रहा है उसके पास बहुत ही ज़्यादा काम है, तो आप डिस्काउंट देकर 150 यानी कि 150 से 180 में भी आप कर सकते हैं, तो भी आपको कोई भी घाटा नहीं होगा। MCB के बाद यदि हम AC की बात करें तो एक AC को लगाने का जो रेट है वो 1500 यानी कि 1500 से लेकर 2000 के बीच चल रहा है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार 1500 से लेकर 2000 के बीच का रेट बोल सकते हैं। यदि आप 1500 में भी कर रहे हैं तो भी आपको कोई घाटा नहीं होगा, ठीक है। AC के बाद यदि हम इन्वर्टर की बात करें तो एक इन्वर्टर सेट करने का जो टोटल रेट है वो 500 रुपये से लेकर यानी कि 500 रुपये से लेकर 700 रुपये तक का चल रहा है। इन्वर्टर के बाद यदि हम गेट लाइट की बात करें तो गेट लाइट सेट करने का जो रेट है वो आपको 500 रुपये से लेकर 700 रुपये के बीच लेना है, क्योंकि गेट की लाइट में आप देख सकते हैं कि दो लाइटें होती हैं, और इसके साथ साथ आपको वायरिंग करनी होती है, और वायरिंग के साथ साथ आपको स्विच भी सेट करना होता है। तो इतना सब कुछ करने का आप सिंपली 500 रुपये से लेकर 700 रुपये तक का चार्ज कर सकते हैं। गेट के बाद यदि हम वाल जरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वायरिंग करने के लिए कुछ इस तरीके से जो हम दीवार को तोड़ते हैं वायरिंग पाइप लगाने के लिए, इसको हम वाल जरी बोलते हैं, और यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो 20 रुपये से लेकर 25 रुपये पर रनिंग फिट चल रहा है, यानी कि एक फिट दीवार को तोड़ने का जो रेट है वो 20 रुपये से लेकर 25 रुपये रनिंग फिट चल रहा है। वाल जरी के बाद यदि हम TV की बात करें तो TV सेट करने का जो टोटल रेट है वो 300 से लेकर 500 रुपये के बीच चल रहा है। TV के बाद यदि हम डिस्क की बात करें तो डिस्क को सेट करने का जो रेट है वो 150 से लेकर यानी कि 150 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच है। सो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक वर्क करने का लेबर रेट क्या चल रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।